निश्चिंत मत हो जाना, संकट अभी टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है, वायरस हमारे बीच है। ये बात सही है कि आज 17 जिलों में 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं, लेकिन आज भी इंदौर और भोपाल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दोनों में लगातार 500 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। रतलाम, रीवा, अनूपपुर, सीधी, इन जिलों को भी ध्यान देने की जरूरत है। और ध्यान केवल इनको नहीं, संपूर्ण प्रदेश में देने की आवश्यकता है। यह संक्रमण की दर कम क्यों हुई? इसलिए कि हमने कोरोना कर्फ्यू लागू किया। यह संक्रमण को नियंत्रित करने का मध्य प्रदेश का अलग मॉडल है, और वो मॉडल है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा मॉडल। अकेले सरकार ने नहीं किया, हमने संकट से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए। गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, शहर के बाढ़ का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, ब्लॉक के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जहां जिले में प्रभारी मंत्री के साथ आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, कलेक्टर, एसपी, सभी स्तर के जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, समाज से भी, वहीं ब्लॉक में आदरणीय विधायकों ने लीड किया उसको। उनके साथ सरकारी अधिकारी और सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, और हमारा अभिनव प्रयोग रहा गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। सरपंच, पंच, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पटेल, मुकद्दम, ANM, चौकीदार, निचले स्तर का अमला भी साथ जुट गया। और जो भी फैसले हमने किए वो विकेंद्रित किए। गांव में कोरोना कर्फ्यू कैसे लगेगा, ये फैसला आपने अपने गांव में किया। कौन सी गतिविधि बंद रहेगी, गांव से आना जाना आपने बंद किया। काम कैसे चलेंगे इसका तरीका आपने तय किया। किल कोरोना अभियान चला, गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम सर्वे दल के साथ घर घर पहुंची। आप अगर घर घर ना जाते तो कई लोग बताते ही नहीं कि खांसी और बुखार है। आपने बाकी व्यवस्थाएं भी संभाली, आपका अमूल्य योगदान है। वैसे ही शहर के वार्ड का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, उसने अपनी वार्ड की व्यवस्थाएं संभाली। वार्ड में गतिविधियां बंद करने का काम किया, आना जाना नियंत्रित किया। ब्लॉक में कैसे कोरोना कर्फ्यू लागू होगा, कैसे सफल होगा, ब्लॉक के कौन कौन से गांव प्रभावित है, उनको कैसे हम माइक्रो कंटेनमेंट एरिया में ले जाएंगे, कोविड केयर सेंटर कैसे चलेगा, ब्लॉक के अंदर जो बना है उसका फैसला ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने किया। और संपूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू कैसे लागू होगा और व्यवस्थाएं कैसे चलेगी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल, इलाज की बाकी व्यवस्थाएं, सारी चीजों पर नियंत्रण जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने किया। यह मध्य प्रदेश मॉडल है, जन भागीदारी का मॉडल।
और इसी मॉडल के कारण मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर नियंत्रित करने में हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है। लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, अभी लंबा रास्ता तय करना है। कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन यह कर्फ्यू अनंत काल तक नहीं रह सकता। हमने तय किया है 1 जून से धीरे धीरे हम आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया भी तो हमें चलानी है और कोरोना का वायरस रहेगा, इसलिए वायरस के रहते हुए दुनिया चलानी है। लेकिन सावधान, अगर असावधान रहे, अचानक निकल पड़े, भीड़ इकट्ठी होने लगी, मेला ठेला शुरू हो गए, आयोजन प्रारंभ हो गए, तो संक्रमण को बढ़ते देर नहीं लगेगी, हम फिर से संकट में फंस जाएंगे। और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमने वो दिन देखे हैं जब अस्पताल के बिस्तर भरे थे, ऑक्सीजन के लिए दिनों रात एक करनी पड़ी, कितनी तकलीफें उठाई हमने। उन भाई और बहनों से पूछो जिनको ऑक्सीजन लगी थी, वेंटिलेटर पे चले गए, कई इस दुनिया से चले गए, क्या उस कष्ट को हम फिर से देखना चाहते हैं? क्या वो परिस्थिति फिर से वापस आए, इसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं? कदापि नहीं। हम वैसी परिस्थितियां नहीं बनने देंगे, और इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे खोला जाएगा, और कौन तय करेगा? आप तय करोगे कैसे खोला जाएगा। गांव में कौन सी गतिविधि चालू रहेगी, कौन सी बंद रहेगी, यह गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को तय करना है। वार्ड में कौन सी गतिविधि बंद रहेगी, कौन सी चालू रहेगी, यह वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। ब्लॉक में क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, यह ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। और जिले में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, यह जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। अलग अलग जिलों में परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थाएं भी होगी, वो भी आपको तय करना है। कोई जिला पूरी तरह से मुक्त हो गया तो भांग की गतिविधियां अलग होगी, लेकिन कहीं संक्रमण अगर फैलाए तो वहां कौन सी चीज खुले, कौन सी बंद हो, उस पर अलग से वहां की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी विचार करेगी। आप तय करिए 1 जून से, पहले तय करना है तो 1-2 दिन में ही आपकी बैठक हो जाए, चर्चा हो जाए, और आप पूरी सावधानी बरतते हुए फैसला करें। जो वैज्ञानिक तरीका खोलने का हो सकता है उससे आपको अवगत कराया जाएगा, और स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से आप तय करेंगे। तीसरी लहर की बात आ रही है, यह तीसरी लहर क्या है बहनों और भाइयों? अगर हम असावधान रहे तो संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते जब संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी, 1 10 को करेगा, 10 100 को करेगा, 100 से 1000 होंगे, एक दिन विस्फोट हो जाएगा, वही तीसरी लहर हो जाएगी। तो हमको दुनिया चलाते हुए तीसरी लहर नहीं आने देना है, इसकी कोशिश करनी है। और इसके लिए हमने रोड मैप तैयार किया है। हम खोलेंगे तो, लेकिन सब चीजें नहीं खोलेंगे, आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे, राजनीतिक रैलियां, सभाएं, धार्मिक आयोजन
शादी विवाह में भी बिल्कुल मिनिमम संख्या 10 इधर के आ जाएं, 10 उधर के आ जाएं, और जो आए वो टेस्ट करवा के आए। हम वही टेस्ट की व्यवस्था भी कर देंगे ताकि कोई पॉजिटिव हो तो पहले से सावधान हो जाए। कई जगह शादियों ने परिवार के परिवार तबाह कर दिए थे। उसने कौन सी गतिविधि कितनी खुलेगी परिस्थिति देख के हमको फैसला करना है, और उन गतिविधियों के चालू रखते हुए अगर मार्केट खुलेगा तो कितनी दुकानें खुलेगी, दुकानदार को कैसे व्यवहार करना पड़ेगा, मास्क लगाए हुए हैं कि नहीं, दुकान के सामने गोले बनाए हुए हैं कि नहीं, ग्राहक का व्यवहार क्या है वो भी तय करना पड़ेगा। और ये इसलिए कि एक से दूसरे को संक्रमण ना फैले, तो वो व्यवहार तय होगा, नियम बनेंगे, धारा 144 लगी रहेगी ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। लेकिन उसके साथ साथ टेस्ट भी जारी रहेंगे। हम लगभग 75,000 टेस्ट रोज करेंगे, फीवर क्लिनिक भी चालू रहेंगे, उसके अलावा हम मोबाइल टीम भी भेजेंगे टेस्टिंग के लिए, सैंपल लेने के लिए। टेस्ट का यह फायदा होगा कि अगर कोई हम में से संक्रमित है तो तत्काल हमें पता चल जाएगा, और जैसे ही पता चला तो हम अपने संक्रमित भाई या बहन को या तो होम आइसोलेशन में, घर में जगह तो अलग रख देंगे, दवाई का किट देंगे, उसकी तत्काल इलाज की व्यवस्था करेंगे, या फिर कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे। हम कोविड केयर सेंटर अभी बंद नहीं करने वाले, कोविड केयर सेंटर में चाय नाश्ता भोजन सबका इंतजाम करेंगे, इलाज की व्यवस्था करेंगे ताकि उससे बाकी परिवार के सदस्य संक्रमित ना हो। और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। अब नंबर कम हो गया इसलिए यह संभव है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है एक पॉजिटिव अगर निकला तो उसके पूरे परिवार के सदस्यों का सैंपल लिया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, उससे मिलने वाले बाकी लोगों का भी टेस्ट किया जाएगा ताकि उसके कारण अगर कहीं संक्रमण फैला हो तो हम उस संक्रमण को तत्काल पकड़ लें, और कोई संक्रमित हुआ हो तो उसको फिर हम होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर पर ले जाकर उसके इलाज की भी व्यवस्था कर लें, और नहीं तो वो पता नहीं कितनों को संक्रमित करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। फिर अगर कहीं पॉजिटिव केस मिले, एक मिला दो मिले, तो वहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना देंगे, उस घर को घेर लेंगे, दो चार घर को घेर लेंगे, वहां से आना जाना बंद करेंगे ताकि वो संक्रमण वहां से बाकी लोगों में ना फैले। और चौथी चीज, किल कोरोना अभियान जारी रहेगा। अब हम आज से किल कोरोना अभियान 4 शुरू कर रहे हैं, मतलब गांव गांव में टीमें जाती रहेगी, सर्दी जुकाम बुखार वालों को ढूंढती रहेंगी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ, ताकि किसी को सर्दी जुकाम बुखार है तो उसकी तबीयत न ये बहुत जरूरी है, ये करनी पड़ेगा। अगर हमने छोड़ दिया कि चलो अब कुछ नहीं करना, ना टेस्ट करना, ना चेक करना, ना देखना, ना भालना, तो किस दिन तीसरी लहर का विस्फोट हो जाए ठिकाना नहीं है। कोरोना के साथ ही जीना है, वायरस के साथ जीना, तो ये सब चीजें हमको करनी पड़ेगी। और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, अनुशासित व्यवहार, संयत व्यवहार, हम निकलेंगे बिना मास्क के नहीं निकलेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं निकलेंगे। मास्क लगा ही रहेगा, और कोई बिना मास्क का दिखा तो टोक देंगे, क्योंकि वो केवल उसके लिए खतरा नहीं है, वो बाकी समाज के लिए खतरा बन रहा है। मैं सबसे अपील करता हूं, इस काम को आप संभालें,
मैं मास्क लगाऊंगा, बाकी को लगवाऊंगा। मैं मेरे घर की सुरक्षा करूंगा, मेरे परिवार की सुरक्षा करूंगा कोरोना से। और फिजिकल डिस्टेंस, दूरी बना के रखनी है। जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी तो हाथ सैनिटाइजर से या साबुन से साफ करते रहना है। इन नियमों का पालन करना ही है। और सचमुच में इनका पूरी कड़ाई से हमने पालन कर लिया। इसके लिए मैं आह्वान करता हूं कोरोना वॉलंटियर्स निकलें। अभी 1,17,000 कोरोना वॉलंटियर काम कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं बड़ी संख्या में कोरोना वॉलंटियर अपने आप को रजिस्टर कराएं। अकेली पुलिस क्यों, समाज संभाले ये काम। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ कोरोना वॉलंटियर ये व्यवस्था, मास्क लगाए कि नहीं लगा, दूरी बनी है कि नहीं बनी, इस सारे काम को संभाले। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ स्वयं सहायता समूह भी गांव गांव में सक्रिय हो जाए। जन अभियान परिषद की टीम सक्रिय हो, अलग अलग सामाजिक राजनीतिक संगठन सक्रिय हो। आओ इसको एक सामाजिक आंदोलन बना दे, कोरोना से लड़ाई को। सरकार का काम नहीं, हम सबका काम है। सरकार अपनी ड्यूटी पूरी करेगी। मैं आपके साथ खड़ा हूं, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कई तरह की योजनाएं हमने बनाई, उन पर आज विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा, जनता को राहत देने के लिए वो जारी रहेगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ा काम है याद रखना, कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण। सभी धर्मगुरुओं से अपील करता हूं वो अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए अपने अनुयायियों को अनुशासित रहने के लिए प्रेरित करें। राजनीतिक दल राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दें। सामाजिक संगठन स्वयंसेवी संगठन समाज को अनुशासित रहने का संदेश दे। आओ मध्यप्रदेश को मॉडल बना दें कोरोना नियंत्रण का, दुनिया चलाते हुए कोरोना का नियंत्रण, यह हमें करके दिखाना है। और हम ठान लेंगे तो हम कर देंगे। मध्यप्रदेश एक अलग राह बना देगा संक्रमण पर नियंत्रण की। बहनों और भाइयों, असंभव कुछ नहीं है। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पैर उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आज इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने प्रदेश के लिए। और अपना प्रदेश हम बताएंगे तो अपने देश के लिए भी आपका यह सहयोग चाहिए। मेरे बहनों और भाई, आपने अभी तक सहयोग दिया है, मुझे पूरा विश्वास है। अनुशासन का पालन करके कोरोना नियंत्रण के लिए सक्रिय भूमिका निभा के एक अलग राह बना देंगे आप मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की। आइए मिलकर हम संकल्प करें, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। अगर यह संकल्प सबने कर लिया, मैं अनुशासन का पालन करूंगा, मैं नियमों को मानूंगा, तो अपना प्रदेश कोरोना से मुक्त ही रहेगा। कोई लहर हम नहीं आने देंगे। हम इलाज की और बाकी सब व्यवस्थाएं जारी रखेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे। डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती, ऑक्सीजन प्लांट, यानी को उपाय हम जारी रखेंगे। लेकिन हम स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे, यह संकल्प सबसे बड़ा है। आइए हम मिलकर साथ चलें और कोरोना पर नियंत्रण करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।